Good morning, students. Today we will study SST 5th chapter, the Peninsular Plateau. And this chapter is for class 4th. In this chapter, we shall focus on the location of the southern plateau, second, divisions of the southern plateau, and third, minerals found in the southern plateau. लोकेशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू पेनिनसुलर का मतलब होता है प्रायद्वीपीय और प्लेट्यू का मतलब होता है पठार इस चैप्टर में हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे जो उत्तरी मैदान के दक्षिणी भाग में पड़ता है यह साउथर्न इंडिया का जितना भी स्टेट है सारा इसमें समाविष्ट है पेनसुलर प्लेट्यू की जो जमीन है धरातल है वह कैसी है तो रॉकी है यहाँ की जो मिट्टी है वो वॉल्केनिक लावा से निर्मित हुई है पेनसुलर प्लेट्यू मतलब प्रायद्वीपीय पठार सतपुड़ा और विंध्या श्रृंखलाओं से उत्तरी मैदान से अलग हो जाती है पश्चिम में यह पश्चिमी घाट से बंधी हुई है और पूर्व में पूर्वी घाट से बंधी हुई है इसके उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान में अरावली पर्वत पड़ता है और उत्तरी पूर्वी भाग में झारखंड में राजमहल पहाड़ियाँ पड़ती हैं नर्मदा रिवर जो है तो पेनिसुलर प्लेट्यू को दो भागों में डिवाइड कर देती है पहला नॉर्दर्न प्लेट्यू और दूसरा साउथर्न प्लेट तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेट्यू तो नॉर्दन प्लेटू में हमारा मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू पड़ता है अब बात आती है मालवा प्लेट्यू की तो मालवा प्लेट्यू जो है तो अरावली एंड विंध्या के हिमालय की श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है और यह राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्य से होकर फैला हुआ है इसमें कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं तो उज्जैन भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ जाते हैं एंड बंसवारा झलवार एंड प्रतापगढ़ राजस्थान में पड़ जाते हैं इस क्षेत्र के ये इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं मालवा प्लेट्यू की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ मिट्टी है क्योंकि इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है जो कॉटन के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है यहाँ पर कॉटन के अलावा भी और सारे फसल उगाए जाते हैं जैसे ज्वार सोयाबीन राइस व्हीट मिलेट, पीनट्स दाल सीसेम और सुगर के इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदियाँ हैं वह है माही चंबल बेतवा ये इस क्षेत्र इस क्षेत्र से ये नदियाँ निकलती हैं सिंस द मालवा प्लेट स्लोप्स स्लोप टूअर्ड द नॉर्थ मोस्ट ऑफ इट्स रिवर मीट गंगा एंड यमुना चूँकि मालवा प्लेट्यू का जो ढलान है वह उत्तर की तरफ है इसलिए यहाँ की बहुत सारी नदियाँ गंगा और यमुना में जाकर मिल जाती हैं पन्ना इन मध्य प्रदेश हैज़ डायमंड माइंस मध्य प्रदेश में पन्ना नामक का स्थान है जहाँ पर हीरे का खान है अब हम बात करते हैं छोटा नागपुर के बारे में हम पढ़ेंगे तो छोटा नागपुर जो प्लेटू है वह झारखंड के बड़ा भाग इसमें शामिल होता है उड़ीसा बिहार वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़ यहाँ पे बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जैसे कोयला माइका कोयला माइका की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे अधिक मात्रा में कोयला और माइका का, का काम किया जाता है बहुत अधिक मात्रा में खनन किया जाता है इसके अलावा यहाँ पर कॉपर लाइमस्टोन, स्टोन आयरन भी पाया जाता है इस पठार में छोटा नागपुर प्लेट्यू में यहाँ की जो नदियाँ हैं दामोदर यह छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही निर्मित होती हैं यहीं से निकलती हैं और बहुत और देश का हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कोयला है वह इसी नदी की घाटी से उसका निर्यात किया जाता है महानदी महानदी नदी का नाम है जो साउथर्न पार्ट्स जो साउथर्न पार्ट्स ऑफ द रीज़न मतलब यह दक्षिणी भाग से होकर बहती है और इस एरिया की जो नदियां हैं अपने साथ जब बहती हैं तो अपने साथ उप, जो मिट्टी को काट कर बहा ले जाती हैं और उसको फिर डिपोज़िट करती हैं अपने किनारों पर तो वह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती हैं कृषि के लिए अब हम बात करते हैं द साउदर्न और दक्कन प्लेट्यू साउदर्न और दक्कन प्लेट्यू दक्षिणी या फिर हम इसको दक्कन का पठार भी कहते हैं तो यह नर्मद दक्षिण में, नर्मदा नदी, में या या नर्मदा नदी के पास पड़ता है इसका लोकेशन इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पेनासुलर प्लेट्यू और यह प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा भाग यहाँ पर स्थित है नर्मदा नदी के पास दक्कन प्लेट्यू ठीक है इट कवर्स मेजर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा और यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स पढ़ते हैं इस क्षेत्र में दक्कन प्लेटू में तो वह किसको किसको शामिल करता है महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अब हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ भी बहती हैं और ये नदियाँ छोटी छोटी हैं ठीक है अगर हम कंपेयर करते हैं उत्तरी मैदान से तो यहाँ की जो नदियाँ हैं दक्कन प्लेटियों की वो छोटी हैं लेकिन इनका बहाव तेज़ होता है है ना इनका बहाव तेज़ होता है और चूँकि ये नदियाँ कोई पहाड़ी से निर्मित नहीं होती हैं तो ये स्नो कवर्ड नहीं होती हैं ये सीजनल रिवर्स होती हैं क्योंकि जब बारिश होती है रेनी डे में ये पूरी क्या होती है नदियाँ भरी हुई होती हैं पानी से इनका बहाव भी काफ़ी तेज़ होता है लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो यहाँ की नदियाँ बंगाल की खाड़ी तक पहुँचते पहुँचते सूख जाती हैं इनका जो बहाव होता है वो पूरब की तरफ होता है क्योंकि साउथर्न प्लेट का जो ढलान है वो कैसे है पश्चिम से पूरब की तरफ है और ये अपने साथ जो मिट्टी का कटाव लेकर निकलती हैं नदियाँ तो अपने किनारों पर इसको जमा कर देती हैं तो इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है इसीलिए दैट इज़ वाई दे आरकार द राइस बाउल ऑफ इंडिया यही कारण है कि इसे चावल का कटोरा कहा जाता है इस क्षेत्र को साउथर्न रीजन को द रिवर्स वाइल फ्लोइंग एट स्पीड कार्व आउट डीप वैलीज़ रेन वाटर और रिवर वाटर फेलिंग ऑफ ए हाई हिल फ्रॉम्स ब्यूटीफुल वाटर्स द जोक फॉल्स आल्सो नैन एज गोपा ऑन रिवर्स शरावती अब हम बात करते हैं यहाँ के जो खनिज उत्पादन है तो यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं कुछ मात्रों में वो है <coughs> गोल्ड माइंस द फेमस कोलार गोल्ड माइंस आर लोकेटेड इन कर्नाटका कर्नाटक में कोलार गोल्ड माइंस बहुत ही फेमस है जहाँ पर सोना निकाला जाता है यहाँ पर कोयला और मायका भी पाया जाता है झरिया गिरीदी बोकारो एंड रानीगंज हैव द रिचेस्ट कोल माइंस ये जो मैंने जो अभी नाम बताया है झरिया गिरीधर बोकारो और रानीगंज यहाँ पर अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है और केरल में सोने का खान है कोलार गोल्ड माइंस। इसके अलावा यहाँ पर रबर, कॉफ़ी कैश्यू नट्स एंड क्लोव्स आर ग्रोन इन द साउथर्न प्लेट दक्षिणी भाग में रबर, कॉफ़ी नट्स कैश्यू ये सब भी पाए जाते हैं यहाँ पे घने घने जंगल पाए जाते हैं जिसकी आ, फेमस ट्री है साल टीक एंड सैंडलवुड ये पश्चिमी घाट पे अधिक मात्रा में उगती हैं तो ये तो हमने पढ़ा दक्कन प्लेटियों के बारे में कावेरी नदी पर मेटूर दाम बना है एंड इज द लार्जेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया मेटर दाम जो बना है वो जो सिंचाई के लिए बहुत ही फेमस है और अधिक मात्रा में इससे सिंचाई की जाती है तो ये चैप्टर हमने ख़त्म करा दिया आपको पढ़ा दिया अबाउट पेनसुलर प्लेट्यू आई होप यू अंडरस्टैंड थैंक यू